नरवल में आता है, ये नरवल तहसील पड़ता है ना, नरवल तहसील में पड़ता है ये। कानपुर से अगर देखा जाए तो कानपुर से 30 से 35 किलोमीटर पड़ता है। और ये अरविंद जी हैं, और ये इनका पहले यहाँ पर इंटरनेट का है, कैफे का है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का है, रजिस्ट्रेशन का है, इसका सब काम था। तो इनके भैया ने इनको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग ट्रेनिंग के लिए पूरा कंप्लीट कोर्स कराया। कंप्लीट कोर्स कराने के बाद आज ये अपनी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के साथ में शॉप करते हैं। और भैया ऑनलाइन का काम पूरा देखते हैं, आधार, आय, जात, निवास, फॉर्म भरना और भी जितने सारे काम होते हैं फाइनेंस के, वो सारा काम देखते हैं। लेकिन सर अपना पूरा रिपेयरिंग का काम देखते हैं। अभी सर की दुकान में जैसे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर लाइट की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो इनको अपना अलग से दुकान ओपन करना है। तो अलग से दुकान खोलने के लिए जगह देख रहे हैं, दुकान देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनके पास मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए आते रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे काम्बो वगैरह हैं, सब काम्बो का सारा स्टाफ है, जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं ठीक होने के लिए, तो एसेसरीज वगैरह सारा सब कुछ सेल का काम है, सारे एसेसरीज सेल करते हैं, सारे काम्बो वगैरह बेचते रहते हैं। और यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर दूर एरिया बढ़ जाता है, तो लोग मार्केट नहीं जा पाते हैं काम्बो तुरंत डलवाने के लिए। यहाँ पर इनके पास सब चीज़ें तुरंत अवेलेबल हो जाती हैं। जब तुरंत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं तो इनका फ़ायदा ये मिलता है कि जो 500-700 रुपये काम्बो होता है उसको डालने के 400-500-800 रुपये काम्बो पर आराम से मिलता है। तो सर यहाँ पर काम्बो रिपेयरिंग का है, चार्जिंग कनेक्टर का है, ये सारा काम यहाँ पर करते हैं। लेकिन जो और मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आती हैं, जिनको DC सप्लाई से चेक करना है, माइक्रोस्कोप से चेक करना है, और भी रिपेयरिंग के जितने सारे काम होते हैं, वो अपना घर पर पूरा सेटअप बना रखा है। हाँ, लाइट की वजह से घर में पूरा सेटअप बना रखा है। तो सर आप बताइए जरा, आपको कितना टाइम लगा था सीखने में, और कितने समय पहले कोर्स किया था, कैसे काम कर रहे हैं, और आपको सीखने के बाद क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना इनकम आप जनरेट कर पा रहे हैं, ताकि बताया लोगों को। हमने मतलब कि 3 महीने का कोर्स हमने सर के यहाँ से किया था, ठीक। तो उसमें पहले हमने दुकान खोली थी 2017 में, तो थोड़ा हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हमने दुकान बंद कर दी। उसके बाद फिर हम थोड़े दिन में जब मतलब तैयारी करते हैं कंपटीशन की, उसमें कुछ हुआ नहीं हमारा, तो फिर दुकान सीख लो जाके मोबाइल पर कोर्स सर के यहाँ से मोबाइल पर कोर्स सीखे जाके 3 महीने में सीखे। उसके बाद जब हमने दुकान में यहाँ बैठना शुरू किया तो करीब 500-700-800 रुपये दिन भर हम कमा लेते हैं। कम्बो वम्बो लगा के, टच कम्बो और एक टेम्पर वगैरह कवर वगैरह सब रखते हैं, तो उसी हिसाब से अपना 500-600 रुपये। लाइट की वजह से, लाइट भाई ने प्रॉपर कुछ काम, तो लाइट की वजह से हम घर में कहाँ से सब रखते हैं, यहाँ से जो काम नहीं बनता वहाँ हम घर में कहाँ से रखते हैं। हाँ, तो जो सॉफ्टवेयर का काम है और भी काम होता है सर घर पे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट का कनेक्शन इनको नहीं मिला हुआ है। लाइट का कनेक्शन ऐसा कि किसी दुकान पे नहीं होता तो कोई ज़बरदस्ती भी दिया नहीं जा सकता। और इन्वर्टर का सहारे है, सोलर पैनल के सहारे चलते हैं। हाँ, सोलर पैनल के सहारे है, अपना जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम है, इतना सारा काम, ये सारा काम तो चलता रहता है। हाँ, इलेक्ट्रा वगैरह चल जाते हैं सोलर पैनल, तो उसी हिसाब से लाइट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो जो काम लाइट वाला होता है। और इतने लोड में अगर हॉटगन वगैरह चलाओगे तो मुझे लगता है कि तुरंत ये जो काम चल रहा है बंद हो जाएगा। तो बाकी रिपेयरिंग का काम वहाँ पर सर करते रहते हैं। तो ये अपना सर ने पूरा सेटअप बनाया हुआ है। मैं आप और भी ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं जो आधार कार्ड है, जन सेवा केंद्र है, ऑनलाइन फॉर्म है, ये और भी कुछ काम कर रहे हैं या इस लाइन में अभी फ्री हैं या बेरोजगार हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि सर मुझे कुछ काम मिल जाए, कुछ काम मिल जाए। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको कोई भी इंसान को काम तभी मिलता है जब उसके हाथ में कोई हुनर होता है। अगर आपके हाथ में एक अच्छा हुनर होगा तो आपको जरूर काम मिलेगा, और आपको कभी पैसों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, पैसे आपके पास खुद चल कर आएंगे, खुद चल कर आएंगे। क्योंकि कहते नहीं कि जैसे इंसान के पैर होते हैं उसी तरीके से पैसों के भी पैर होते हैं, लेकिन पैसे उसी के पास आते हैं जिसको चलती हुई चीज़ मिल जाए। तो चलती हुई चीज़ मिलने का मतलब क्या है कि आपको कुछ ना कुछ काम आना चाहिए, ताकि आपको लोग देखें कि सर ये काम कर लेते हैं, तो आपके पास लोग जुड़ेंगे, आपसे लोग काम कराएंगे, और आपका काम कराएंगे तो जाहिर सी बात है उस काम करने का लोग पैसा देते हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि आप अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं, तो पढ़ाई लिखाई आदमी अपने जीवन में बहुत करता रहता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद जिसको अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पाता तो उसके लिए हाथ में निराशा हाथ में लगती है, उसको लगता है कि भाई लाइफ में क्या किया जाए, वो सूरत, मुंबई, गुजरात, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कमाने के लिए बात कर जाए। आज मैंने उस तरफ बहुत ऐसे हमारे पास लोग हैं, या बहुत ऐसे लोग मेरे जानने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग सजी पढ़ाई लिखाई करने के बाद सजी 15-20 हज़ार नौकरी के लिए सूरत, मुंबई, दिल्ली, गुजरात भाग जाते हैं। दिल्ली में मैं कहता हूँ किसी लड़के को अगर 22,000 रुपये मिलता भी है, तो 22,000 रुपये में सजी उसको 22,000 के हाथ में आता है क्या?
जिसमें 4-5 हज़ार रुपये कमरे का किराया चला जाता है, 4-5 हज़ार रुपये खाने पीने में, 8-10 हज़ार रुपये तो उसको ऐसे ही चला जाता है, 22 हज़ार में 10-12 हज़ार रुपये बचता है। अब जो आदमी 12 हज़ार रुपये कमा रहा है, घर से दूर भी है, बाहर भी रह रहा है, अगर आपके हाथ में क्वालिटी होगी, आपके हाथ में हुनर होगा, आप एक अच्छा काम सीख लेते हैं तो आप अपने लोकल में काम करेंगे। लोकल में काम करने के बाद भी आप सजी 500-700 रुपये कमा लेंगे और अपने घर पे भी रहेंगे। दूसरी बात क्या है कि आप जो अपने लोकल से जुड़े रहेंगे तो एक फायदा ये भी रहता है, घर के 10 काम भी कर सकते हैं और आप हमेशा के लिए सेटलमेंट हो जाते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नौकरी करने के चक्कर में बाहर तो चले जाते हैं लेकिन अपने घर में जैसे ही आते हैं तो फिर जीरो। मैं कहता हूँ तुमने अगर 3 साल नौकरी करी और 10 दिन छुट्टी के लिए आ गए तो 10 दिन समझ लो तुम जीरो पर बैठे हो, बेकार छुट्टी पर बैठे हो। जब जाओगे तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलने वाला। तो उसी तरीके से मैं क्या, अगर आपके हाथ में हुनर होता है तो आप अपने लोकल क्षेत्र में रहकर के काम कर सकते हो और आप अपने लिए काम कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए काम कर सकते हो और हमेशा लाइफ में एक अच्छी तरीके से सेट हो सकते हो। क्योंकि इंसान का सेट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान अपने लाइफ में तभी सेट हो पाता है जब उसके पास कोई एक अच्छा काम धंधा हो। अगर उसके पास काम अच्छा धंधा होता है, कोई अपने हाथ में हुनर होता है तो वो अपनी वजह से मार्केट में, समाज में जाना जाता है और लोगों को सामने पेश कर सकता है कि भाई देखिए मैं ये काम करता हूँ और इस काम करने का आप कोई भी काम हो तो आप हमसे, हमारे पास आ सकते हैं। तो जब आपके पास लोग आएंगे तो उसका आप आपका बेनिफिट देंगे। तो सर यहाँ पर काम्बो डालने का काम करते हैं फिलहाल, काम्बो डालने का, टच डालने का, स्पीकर रिंगर माइक डालने का, UI डालने का, इस तरीके से चार्जिंग की प्रॉब्लम आती तो चार्जिंग कनेक्टर वगैरह सारा रखते हैं। अगर आप देखेंगे तो आयरन लगा हुआ है यहाँ पर, जो भी फोन आते हैं तो उसको खोल करके चार्जिंग कनेक्टर डाल देते हैं, ये जो भी ऐसे काम होते हैं। अच्छा कीपैड मोबाइल फोन के डिस्प्ले वगैरह भी डाल देते हैं। तो कीपैड मोबाइल फोन मतलब जितना भी रिपेयरिंग का जो काम होता है, मोटा मोटा काम है, जैसे काम्बो डालना, टच डालना या मोबाइल फोन में UI चेंज करना, चार्जिंग कनेक्टर, माइक, स्पीकर, रिंगर डालना या डेड फोन को ठीक करना, बैटरी बदलना, जैसे देखेंगे सबके पास सारी मोबाइल फोन की बैटरियाँ हैं, सारे मोबाइल फोन को सब लगा हुआ है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं उनको आसानी से चेंज कर पाते हैं। लेकिन जो काम बड़ा काम होता है, जैसे किसी की IC ख़राब है, किसी मोबाइल फ़ोन में फॉल्टिंग है या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो नहीं ठीक हो पा रहा, तो उसको अपने घर पे ले जाते हैं, घर पे बनाते हैं। तो बढ़िया सर, आप अच्छे तरीके से काम करें और मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी विशेष हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को सिखाने के बाद उनसे जुड़ते हैं, उनको समझाते हैं कि आपको काम कैसे करना है। क्योंकि सीखने के बाद अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगा तो आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको गाइडेंस जो भी मेरी तरफ से, जो भी हेल्प चाहिए, जो भी ज़रूरत है, तो आप ट्रेनिंग सेंटर में आकर के मदद ले सकते हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती, कोई भी दिक्कत आती है तो भी आप आकर के सेंटर में लेकर के मदद ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिखाने के नाम पर सिखा देते हैं, फीस ले लेते हैं, फीस लेने के बाद वो काम ख़त्म कर देते हैं, फिर वो नहीं जानते अपने स्टूडेंट को। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उन्होंने पैसा ले लिया, फिर अपने दूसरे बच्चों को पढ़ाए, काम ख़त्म। लेकिन सर जी हमारा क्या मॉरल है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा सीखे और सीखने के बाद स्टैंड हो, खड़ा हो, वो अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में काम करें। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब सीख करके जाता है वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्या उसको परेशानी फेस करनी पड़ रही है, ताकि जब हम अपने अगले वाले बैच को जब सिखाते हैं तो वो परेशानियाँ उनको दूर करते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास एक बच्चा अभी सीख गया, वो कह रहा है सर जी मैं काम तो पूरा सीख करके आ गया हूँ लेकिन अभी भी मेरे पास जो डेड मोबाइल फ़ोन आता है वो मैं नहीं बना पाता। मैंने अच्छा डेड मोबाइल फ़ोन नहीं बना पाते, हमें और क्या कमी आती है? कहते सर जी मैं सॉफ्टवेयर का कुछ काम सीख गया था लेकिन अब वो मेरे से फ़ोन नहीं ठीक हो रहे हैं सॉफ्टवेयर वाले। तो अब ऐसे क्या होता है कि हमको सर जी कमी पता चलती, हमको ये कमी पता चलती है कि सीखने के बाद क्या कमी रहने वाली है। तो हम चाहते हैं कि वहीं पर जो बच्चे सीखने के बाद जो कमी रहने वाली है तो हम वहीं अच्छे से दूर कर दें, या जिनको कमी है तो वो सेंटर पर आकर के उसी को सीख सकते हैं और उनको कमी कोई प्रॉब्लम ना आए। और सारे बच्चों के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है कि वो भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आकर के सीख सकते हैं, उसका कोई पैसा, कोई चार्जेस नहीं देना, ताकि हमारा स्टूडेंट कभी भी ज़िंदगी में अपाहिज ना रहे, वो हमेशा रेस में घोड़े की तरह हमेशा दौड़ता रहे, सफलतापूर्वक काम करता रहे और उस काम करने में जो भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, जो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो ट्रेनिंग सेंटर उनको बच्चों को पूरी तरीके से मदद करेगा और उनको कभी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आने देगा। तो आप लोग भी अगर इसी तरीके से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन की ट्रेनिंग आपकी होती है, कैसे आपको सिखाया जाता है, इस तरीके से बच्चे सीख करके अपनी दुकान करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग आगे किसी वीडियो में मिलते हैं। वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।